हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अरुण। और आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं ये जो आप टीवी देख रहे हैं। ये किस ब्रांड की है ये तो पता नहीं है, क्योंकि इसका स्टिकर निकल गया है। जो कस्टमर है हमको ये पूरा अपना पूरा टीवी का सेट दे गया है। और इसमें फॉल्ट क्या है मैं आपको बता दूँ, इसका सेट बॉक्स मैंने अलग से चेक किया है। इसमें वीडियो तो आ रही है लेकिन टीवी में भी फॉल्ट, मैं बता दूँ आपको, टीवी में आवाज़ तो आती है लेकिन ये वीडियो नहीं आता है। तो मैंने इस सेट बॉक्स से अलग से चेक किया है, जो इसमें वीडियो आ रहा है लेकिन इस टीवी में वीडियो नहीं आ रहा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमने दिया ये इसके डीटीएच में पावर, जैसे देख सकते हैं आप, इस डीटीएच में पावर आ गया है। अब इसमें आवाज़ आप सुनिए, तो देखिए यह आवाज़ आ गई है लेकिन इसका वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसको रिपेयर करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे, पावर को निकाल देंगे। तो हम टीवी को और डीटीएच को दोनों की पावर निकाल देंगे और इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लगा है इसका लीड, तो हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद इसके स्क्रू को हम खोल लेंगे। तो ये रहा इसका चार स्क्रू पीछे की साइड, इसको हम खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद हम चेक करेंगे इसमें ये फॉल्ट कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को हमारे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करें कि आपको इस वीडियो पर कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपको आपके टॉपिक पर वीडियो अवश्य बना के देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको ओपन कर लेंगे। हमने इसको ओपन कर लिया, अब इसको हम बाजू को निकाल लेंगे। एक स्क्रू हमारा यहाँ पे रोक रहा है, तो फिर इसको हम खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया, इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी बॉडी को हम दूर रख देंगे। ये हमने दूर रख दिया, वीडियो के लीड लगा लेंगे और फिलहाल नहीं लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पावर टीवी को और उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो टीवी में दिया हमने पावर, अब उसके बाद आपको अपना मल्टीमीटर चाहिए। हमने लिया अपना मल्टीमीटर, आपको मैं थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए अब आपको टीवी को अपने पावर लगा लेना है और इस ब्लैक वायर को आपको पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड पे रख देना है। जैसे यहाँ पे ये आपको एक स्प्रिंग दिख रहा है, आप इस पर भी रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं अपने ब्लैक वायर को। अब उसके बाद आपको इसमें लीड दे देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा हमारी टीवी ऑन है। तो हम अपना ये लीड लगा लेते हैं ऑडियो वीडियो की। डीटीएच में पावर नहीं लगा है, पावर लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको 4 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, टीवी में आवाज़ आ गई है। अब आपको 4 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी कहाँ, और 4 वोल्ट की सप्लाई आपको डीसी नहीं एसी नापनी है। तो 10 वोल्ट आप एसी पे मीटर को रख लेंगे। हमने रख लिया, ये देखिए, ये आपका 180 वोल्ट की सप्लाई और ये एच टी जो लिखा है, आपको इसी पे 4 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो देखिए, इस पर हमको ये 4 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये 4 वोल्ट की सप्लाई हमको यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होते हुए आएगा। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सप्लाई 4 वोल्ट की देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मीटर के, ये देखिए 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे है। इसके इस तरफ देखते हैं, इस तरफ भी है लेकिन यहाँ पे ये 4 वोल्ट की सप्लाई आ गई है, मतलब कि ये कहीं से ड्राई है, छोड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट को, इसको बैक साइड प्लेट लेंगे, कहीं देख लेंगे कहीं हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ढीला तो नहीं है, उसका रंगा सूख तो नहीं गया है। तो प्लेट को अपने हम बैक साइड से प्लेट लेंगे, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये देखा, तो इसका ये रेजिस्टेंस जो है ये ढीला है, आप भी देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यही इसका रेजिस्टेंस, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही इसका रेजिस्टेंस, ये पॉइंट इसका ढीला है।
हिल अभी रहा है, तो इसको हम सोल्ड कर लेंगे। तो सोल्ड कर लेते हैं हम, और इसका ये प्रिंट यहाँ से टूट गया है, तो एक हम जम्पर वायर का यूज करेंगे। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं एक जम्पर वायर। जम्पर वायर में कोई सा भी आप वायर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक ये वायर यूज कर रहा हूँ जो टू लेयर में है, तो इसमें से हम एक वायर यूज कर लेंगे और इसको अच्छी तरह छिल के इस पर हम रंगा लगा लेंगे। तो ये रहा हमारा रंगा, इसको हम लगा लेते हैं इस पर। ये लाइट की समस्या आपकी यही 4 वोल्ट से होती है, तो जो भी टीवी हो आपकी कोई भी कंपनी की, सबसे पहले आप यही 4 वोल्ट की सप्लाई आप चेक करिए जो एसी में होती है। आपकी ये सप्लाई ESD से निकलती है। तो इसको हमने सोल्ड कर लिया है, अब जो बचा हुआ वायर हमारा है इसको आप हम काट लेंगे। ये हमने काट लिया, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, कहीं देखेंगे कोई पॉइंट सटा तो नहीं है। यह ओके है, सटा नहीं है, यह हो गया। अब इसके बाद हम इस सर्किट को पलट के फिर इसको चेक करेंगे। तो ये हमने इसको फिर ग्राउंड पर रख दिया, मीटर को हमने अपने एसी पर रखा हुआ है। अब हम इसमें लगाते हैं अपनी पावर को। फिलहाल DTS तो हमने निकाल दिया है, सिर्फ हम 4 वोल्ट की सप्लाई को नापेंगे अपने। तो आप मीटर को देखिए, ये देखिए 4 वोल्ट की सप्लाई ये आ गई है। हम सर्किट को हिला के भी देख लेते हैं, ये देखिए 4 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ गई है, ये देखिए ठीक है। अब आपको TV की स्क्रीन पर ले चलते हैं, तो पावर निकाल लेते हैं पहले, और जो जैक्स जहाँ पे हैं आपको लगा लेना है। ये देखिए हम ये जैक्स यहाँ पे लगा ले रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार लगा लेना है। जो जैक्स आपको जहाँ से निकालना है आपको ध्यान देना है कि आपने यहीं पे ये जैक निकालना है, तो उसी प्रकार आप इसको लगा लेंगे। तो ये जो जैक्स हमने जहाँ से निकाला था वहीं पे हमने लगा लिया। अब इसके बाद इस सर्किट को हमने इसके साँचे में लगा लिया। अब हम आपको TV की डायरेक्ट स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो हमने ये TV की स्क्रीन को पीछे से पलट दिया है, अब इसको हम लगाते हैं पावर। तो ये लगाया हमने पावर, अब हम इसके DTH को भी पावर लगा लेते हैं। तो ये लगाया हमने पावर, ये लीड लगी है, आप देख सकते हैं इसमें ये लाइट आ गई है बिल्कुल सही तरह से एकदम। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं TV कितनी आसानी से रिपेयर होकर आपके सामने दिख रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप भी इन सब छोटी छोटी फाल्टों को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब मैं आपको इस प्रकार की नई नई वीडियो आप तक देता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी हमारी सारी वीडियोज़ की। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अगले वीडियो में।